अगर तुम क्यूरियस स्टूडेंट्स हो तो ये सुनना जरूरी है। चलो, बादलों की दुनिया में गोता लगाते हैं। सब कुछ सूरज से शुरू होता है। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी गर्म होता है। इस गर्मी से पानी भाप बन जाता है। जी हाँ, एवेपोरेशन होता है। ये भाप आसमान में ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर जाती है, हवा ठंडी और पतली होती जाती है। ठंडी हवा से भाप ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है। इस बदलाव को कंडेंसेशन कहते हैं। ये छोटी छोटी बूंदें हवा में धूल और दूसरे पार्टिकल से चिपक कर बादल बनाती हैं। जब ये बूंदें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बादल बनते हैं जो हम देखते हैं। बादलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। स्ट्रेटस नीचे और धुंधले हल्की बारिश लाते हैं। क्यूम्यूलस फूले फूले और सफेद सनी दिनों में दिखते हैं। सिरुस ऊंचे और पतले बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। निम्बस काले और भारी तूफान का इशारा करते हैं। तो अगली बार जब तुम ऊपर देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सुंदर बादल कैसे बने।